किसी भी माँ बाप के लिए उनका बच्चा ही उनके जिगर का टुकड़ा होता है। जिंदगी में कितनी ही मुसीबत क्यों ना आ जाए, माँ बाप अपने बच्चों को कोई तकलीफ पहुँचने नहीं देते। लेकिन चीन के जुझाओ शहर में रहने वाले एक शख्स ने अपने 2 साल के बेटे को सिर्फ इसलिए बेचा ताकि उन पैसों से गर्लफ्रेंड संग पूरा देश घूम सके। तो चलिए आज क्राइम तक पर इस हैरान करने वाली कहानी के पर्दे के पीछे की कहानी बताएं। दरअसल चीन के शी नाम के एक व्यक्ति को अपनी पत्नी से तलाक हो चला था, लेकिन तलाक से पहले शी के घर 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। कोर्ट के तलाक के फैसले के बाद शी को बेटे की कस्टडी मिली तो ही उनकी पत्नी को बेटी की। अय्याज शी को अपने बेटे से ज्यादा लगाव नहीं था, इसलिए उसने अपने 2 साल की बेटी को पिता और भाई के घर छोड़ दिया। अय्याशी में खूब पैसा उड़ाने के बाद हाल ही में शी को पैसों की जरूरत आन पड़ी। ऐसे में वह अपने 2 साल के बेटे को पिता और भाई के घर से चुपचाप उठा लाया और मासूम बेटे को 17 लाख युआन यानी लगभग 2 करोड़ में एक कपल को बेच डाला। जब कई दिनों तक शी ने अपने रिश्तेदारों से संपर्क नहीं किया तो घर पर घबराए परिवार ने छानबीन की तो खुलासा हुआ कि शी ने बेटे को लगभग 2 करोड़ रुपए में बेच डाला है। इसके बाद परिजन पुलिस के पास भागे भागे पहुंचे और शी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जब शी को गिरफ्तार किया तो उसने ये बात कबूली कि उसने बेटी को इसलिए बेचा ताकि वो गर्लफ्रेंड से पूरा चीन घूम सके। बाद में उसके बयान के आधार पर पुलिस ने बच्चे को चांगसू शहर से खोज निकाला और बच्चे को शी के पिता और भाई के हवाले कर दिया गया। आपको बता दें कि चीन में पहले कड़ा जनसंख्या नियंत्रण कानून था जिसे हाल ही में थोड़ी ढील दी जा रही है। हालांकि सामाजिक एवं आर्थिक मजबूरियों के चलते युवा वर्ग शादी करने से कतरा रहा है, यहाँ शादियां जल्द टूट रही हैं। फिर एक समस्या चीन में लड़कियों की संख्या कम होना भी है। वहीं बहुत से लोग अधिक उम्र में शादी करते हैं जिसकी वजह से उन्हें बच्चा पैदा करने में दिक्कत आती है। बस इन्हीं सभी कारणों के चलते चीन में लोग बच्चे को गोद लेने में प्राथमिकता देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।